नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। टेक्नोलॉजी की बढ़ती रफ्तार के साथ ही अब काफी चीजें करना बेहद आसान हो गया है, यानी कि अब हम टेक्नोलॉजी की रफ्तार से बढ़ने भी लगे हैं। जैसे कि हम घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, उसके साथ ही हम घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अब लोगों के बातचीत करने के तरीके में भी काफी बदलाव आ गया है, जैसे कि अब लोग कॉल से ज्यादा मैसेज करना पसंद करते हैं और इसके लिए लोग काफी अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ऊपर नाम आता है व्हाट्सएप का। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे ही स्पैम मैसेजेस की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। हालांकि अब लोगों के पास DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करने का ऑप्शन भी आ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक DND एक्टिवेट कराने के बावजूद 95% व्हाट्सएप यूजर्स के पास स्पैम मैसेजेस आते हैं। बता दें कि इस सर्वे में देश के 373 जिलों में रहने वाले 57,000 लोगों से बातचीत की गई, जिसमें से 68% मोबाइल सब्सक्राइबर्स को दिन में 4 या उससे ज्यादा स्पैम या प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं। ये सिर्फ मैसेज नॉर्मल नहीं बल्कि व्हाट्सएप पर भी आते हैं। इसके मुताबिक 32% लोगों ने ये माना है कि उन्हें दिन में 1 से 3 अनवांटेड मैसेजेस, जबकि 36% लोगों ने माना कि उनको 4 से 7 ऐसे मैसेजेस और करीब 32% लोगों का ऑन एन एवरेज ये मानना है कि 8 या उससे ज्यादा अनवांटेड मैसेजेस उनके पास आते हैं। हालांकि 11,326 लोगों में से सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि उन्हें व्हाट्सएप पर इस तरह के कोई भी मैसेज नहीं आते। अगर हम ये बात करें कि ये मैसेज करने वाले कौन लोग हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा मैसेज फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल स्टेट सर्विसेज और पैथोलॉजी लैब्स यानी कि पैथोलॉजी सर्विसेज जो कि आपकी मेडिकल हेल्थ केयर से जुड़ी हुई होती हैं, उनके आते हैं। बता दें कि लोग इससे परेशान होकर ऐसे मैसेज को ब्लॉक या रिपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके साथ ही इस सर्वे में करीब 77% लोगों ने माना कि अगर टेलीकॉम कंपनियां और ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर काम करें, तो वो हर एक अनवांटेड मैसेज में ब्लॉक एंड रिपोर्ट का ऑप्शन तो दे ही सकते हैं, जिससे कि यूजर को काफी फायदा होगा और वो परेशान भी नहीं होंगे। ये तो रही सर्वे की बात, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा होता कैसे है, कि आपके नंबर पर इतने मैसेज आते कैसे हैं, यानी कि आपका नंबर उन स्पैमर तक पहुंचता कैसे है? तो इसकी बड़ी वजह है डेटा लीक होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में करीब ट्राई के डू नॉट कॉल रजिस्ट्री पर रजिस्टर्ड 93 मिलियन फोन नंबर्स का डेटा डार्कनेट पर बिक रहा था, यानी कि ये स्पैमर्स आपका पर्सनल डेटा खरीद रहे हैं और इसी के जरिए ये आपको ऐसे अनवांटेड मैसेजेस कर पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में डेटा सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया जाए और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है। ऐसी ही बिजनेस और अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी यानी कि शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण बिजनेस।